हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसग्राफिया। आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे कि डिसग्राफिया क्या है और क्या डिसग्राफिया हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है या हमारी इंटेलिजेंस पे इफ़ेक्ट डालता है या नहीं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। डिसग्राफिया बेसिकली ये एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें एक बच्चा जो है किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी साउंड को रिटन फॉर्म में नहीं लिख पाता। मतलब फोनीम्स को ग्राफीम्स में, यानी किसी भी साउंड, किसी भी वर्ड या किसी तरह की लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में नहीं लिख पाता। या उस बच्चे को ये डिफ़िकल्टी होती है कि एक जो वर्ड है या एक स्पेलिंग है उस स्पेलिंग का अल्टरनेट वर्ड या अल्टरनेट साउंड क्या होती है। बेसिकली डिसग्राफिया को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। डिसग्राफिया में जो हम बेसिक चीज़ देखते हैं कि क्या वो हमारी इंटेलिजेंस पे इफ़ेक्ट करता है, बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मतलब लैंग्वेज को पढ़ तो लेते हैं, लैंग्वेज को पढ़ भी रहे हैं या वर्ड्स को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उन बच्चों को ये कहा जाए कि ये जो आप चीज़ पढ़ रहे हो या आप इस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, आप इस चीज़ को लिख के दिखाएँ, तो जब भी लिखने की बात कही जाएगी उन बच्चों का हाथ अचानक से ऊपर खड़ा हो जाएगा या वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे कि उन्हें वो लैंग्वेज है या वो साउंड्स है या वो वर्ड्स उन्हें ना लिखने पड़े। तो ऐसे बच्चों में यही होता है कि वो बेसिकली वर्ड्स को जो है समझ नहीं पाते कि ये वर्ड्स क्या है या इस वर्ड की जो है साउंड क्या है, उन साउंड्स को नहीं समझ पाते। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको चीज़ों को जोड़ने में डिफ़िकल्टी होती है। अगर हम उन्हें कोई भी वर्ड्स दें कि इस वर्ड को याद करो, इसके जोड़ तोड़ बना के लिखो, तो वो बच्चा उन चीज़ों को पढ़ तो लेगा, पढ़ इजीली से लेगा, लेकिन उन वर्ड्स को वो लिख नहीं पाएगा क्योंकि वो जो रिटन एक्सप्रेशन है, वो जो साउंड्स की, वो जो उन लैंग्वेज की साउंड है, वो उसे बेसिकली नहीं समझ आ रही। अगर आप इसकी एक एग्जांपल लें कि बच्चे क्या करते हैं, बी को बी और डी इन दोनों की साउंड्स में फ़र्क नहीं कर पाते, या ए को ए और एल इनकी साउंड में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते। तो डिसग्राफिया बेसिकली एक रिटन फॉर्म या जो है रिटन डिफ़िकल्टी है जो कि बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका ये है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कुछ सेशन जो है बनाए जाते हैं, उनकी असेसमेंट की जाती है कि आया कि उसे किसी एक सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी है या उसे सभी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी है। अगर उसे किसी एक सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी है जिसमें वो चीज़ों को नहीं लिख पाता, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईजीली हो जाता है कि उसके सेशन क्रिएट किए जाते हैं, उसकी डिसेबिलिटी को देखा जाता है कि कौन से वर्ड्स उसे ज़्यादातर नहीं समझ आ रहे और उन वर्ड्स में उसकी मज़ीद हेल्प की जाती है ताकि उसे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ डिसग्राफिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।